नेपालक सातु प्रदेश मध्य छ प्रदेश के आंतरिक मामिला तथा कानून अर्थात गृहमंत्री सब आगामी सावन महीना भीतर प्रहरी समायोजन कक प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कर प्रभाग निष्कर्ष में पहुँचल नेपाल के सातु मध्य कर्णाली प्रदेश के बाहेक अन्य छ प्रदेश के आंतरिक मामिला तथा कानून अर्थात गृहमंत्री सब के सहभागिता आ मधेश प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्रालय के आयोजना में मधेश प्रदेश के राजधानी जनकपुरधाम में भेल शांति सुरक्षा तथा विपत्त व्यवस्थापन संबंधी अंतर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम सँ प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन करबाक संबंध में प्रहरी समायोजन एन आ प्रहरी समन्वय संबंधी एन के आधार बनाकर संघीय सरकार आगामी सावन महीना भीतर प्रहरी समायोजन कक प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कर प्रभाक बात में सहमति करैत निर्णय कयल गेल छ। प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन के संदर्भ में प्रहरी समायोजन एन र प्रहरी समन्वय संबंधी एनलाई आधारले संघीय सरकारले आगामी श्रावण मसान भित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारले हस्तांतरण गर्नुपर्ने। दुई, प्रदेश भित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदेश मार्फत ल्याउन हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै संघीय सरकारलाई यसतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गर्दछौँ। मधेस प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सहित संपूर्ण छ गोटे प्रदेश के गृहमंत्री सब संयुक्त रूप में जारी कैने घोषणा पत्र के पहिल बुदा में ई बात उल्लेख कयल गेल छ। एतबे मात्र नै ई विषय सावन महीना भीतर संबोधन नै भेल त तेकरा बाद संघीय सरकार के प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख मार्फत संघीय सरकार के ध्यानाकर्षण करेबाक आ साथ साथे संघीय सरकार विरुद्ध सब प्रदेश के गृहमंत्री सब धरना आ शांतिपूर्ण सड़क प्रदर्शन धैर के आंदोलन सब शुरू करबाक धैर के चेतावनी देल गेल छ। नेपाल सरकारको प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यो पनि भएन भनेदेखि हाम्रो धारणा लगायतका लिडियाहरू हुन्छ र त्यसपछि कार्यक्रम हाम्रो सङ्गत हुन्छ, शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शन हुन्छ। त्यो प्रदर्शनपछि चाहिँ बिस्तारै हामी नेपाल सरकार नेपाल प्रहरी र यो प्रदेश प्रहरी संविधान आ संघीयता कार्यान्वयन के विषय में संघीय सरकार से भ रहल देरी आ लापरवाही आब मान्य नहीं होबाक हुनका सबके संकेत छलैन। घोषणा पत्र में प्रमुख जिला अधिकारी अर्थात सीडीओ सबके प्रदेश सरकार माथत लाबा परबाक प्रदेश के सरकारी वकील कार्यालय सबके प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय माथत लाबा परबाक उपत्यका के तीनों जिला के प्रहरी निकाय आब संघ सरकार माथत रह जोकर प्रस्तावित प्रहरी एन संशोधन के काज संविधान के अनुसूचित छ विपरीत रहला से सब जिला के शांति सुरक्षा के जिम्मा प्रदेश सरकारे माथत रह प्रभाग सहित के मांग सब उल्लेख कयल गेल छ। साथे घोषणा पत्र में विपत्त व्यवस्थापन आ भूमि व्यवस्थापन संबंधी संपूर्ण अधिकार प्रदेश सरकार के होब प्रभाग वन एन तथा नियमावली में भेल प्रदेश क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप के प्रावधान सब तुरंत खारिज कर प्रभाग प्रदेश के प्रमुख सचिव तथा सचिव सब प्रदेश के अपने नियमावली अनुसार लाभ सक प्रभाग सहित के सात बुद्धे जनकपुर धाम घोषणा पत्र सामूहिक रूप में जारी कयल गेल छ। घोषणा पत्र सार्वजनिकीकरण कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित मधेश प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संविधान सब प्रत्यायोजित कयल गेल अधिकार स्थानीय आ प्रदेश सरकार पाब प्रभाग में कोनो अवरोध नहीं होबक चाहिए धारणा रखने छलैन। जनकपुर धाम में कार्यक्रम में सहभागी भेल अन्य पांच प्रदेश के आंतरिक मामिला तथा कानून अर्थात गृहमंत्री सब समेत संघीयता कार्यान्वयन के लेल संविधान से देल गेल संपूर्ण अधिकार प्राप्ति में आप देरी आ कोनो अवरोध नहीं होबाक चाहिए में जोर देने छलैन। प्राप्तिको लागि काठमाडौँमा बस्ने सङ्घको सरकारमा संघीय सरकारमा बस्ने नेताहरूलाई काम नसुन्ने जुन परिस्थिति सृजना भएको छ, तल नदेख्ने परिस्थिति सृजना भएको छ, तल भुल्ने परिस्थिति भएको छ, आफूले टेकेको धरातललाई बिर्सने परिस्थिति सृजना भएको छ, त्यो धरातल देखाउने काम त्यो सन्देश यो भेलाले दिनेछ भन्ने कुरा। तर जबसम्म प्रहरी समायोजन नभएको कारणले प्रहरीलाई संघीय मातहतमा राखेका कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई निर्देशन भन्दा पनि विनयर अनुरोध गरेर हामीले कार्यहरू गर्नुपर्ने थियो, अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्।
आफैमा यो संघीयता विरोधीहरूको लागि ठुलो प्रहार, यो खबरदारी हो। मतलब हार गुहार गर्नुपर्ने छ। त्यस कारण भन्छु त्यसो भए किन चाहियो हाम्रो स्थानीय सरकार, घर दैलोमा आएको सरकार, संविधानले दिएको नयाँपन, नेपालको संविधान 2072 अरू के नयाँ धेरै देखिँदैन। कमसे कम प्रदेश सरकार त छ, प्रदेश सभा त छ भन्दाखेरि त्यस्तै दिने जुन एउटा चाहिँ सेवा हो त्यसमा चाहिँ बहुतै कमी भएको हुनाले धेरै प्रश्नहरू खडा भएको छ। सायद अरू प्रदेशमा त्यही होला। कार्यक्रममा मधेश प्रदेशकै गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुबी कर्ण, प्रदेशकै विपक्षी दलक नेता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकै मधेश प्रदेश संसदीय दलक नेता समेत रहल जितेन्द्र सोनल, सत्ताधारी मुख्य घटक काङ्ग्रेसक नेता तथा मधेश प्रदेशक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, मधेश प्रदेश प्रदेश सभाक सभामुख सरोज कुमार यादव सहितक सबके उपस्थिति छलनि। ओही अवसरमे मधेश प्रदेश सरकार आगन्तुक अन्य प्रदेशक गृहमन्त्री सबके सम्मान केने छल त श्री जानकी मन्दिरके प्रतिमा उपहार स्वरूप प्रदान समेत केने छल। जनकपुर धाममे आगन्तुक अन्य 5 प्रदेशक गृहमन्त्री सबके श्री जानकी मन्दिर, धनुषाधाम क्षेत्र आ गंगा आरती सहितक धार्मिक पर्यटनके केन्द्र सबके भ्रमण अवलोकन कराओल गेल अछि। आब देखबाक ई अछि नेपालके 7 मध्य 6 गृहमन्त्री सब आ मधेश प्रदेशक सभामुख आ मुख्यमन्त्री समेतके उपस्थितिमे जारी कयल गेल संघीयता आ संविधान कार्यान्वयनके लेल जारी कयल गेल ई सामूहिक घोषणा पत्र संघीय सरकार कतेक मानैए आ एकरा कार्यान्वयनमे कतेक सक्रियता देखबैए। अपन टेलीविजनक लेल पूरण शाह, जनकपुर धाम।